तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक महीने का टाइम यहां पे आप गुजर चुका है। जो बैटल वाला दिन है ना, बैटल दिन यहां पे आ चुका है। जो एम्पायर अरीना यहां पे था ना, एम्पायर अरीना के बाहर आते हैं सामने से ये कहते हैं, वो ये तुम्हारे फाउंडर ने क्या अरीना यहां पे बनाया है, आगे चल कर ना मैं भी ऐसा अरीना यहां पे बनाऊंगा और मेरा कोई कोई कमाल का डिसाइपल हुआ ना उसको मैं दे दूंगा। तो पीछे से अपने DTN कहता, चल बेटे कुछ भी फालतू बकवास मत कर। ये कहता, मैंने कौन सा फालतू बकवास कर दिया, मैं कोई भी फालतू बकवास यहां पे नहीं करता, मैं तो भाई यहां पे ऐसा करूंगा जो बैटल अरीना ना बैटल अरीना के ऊपर चल जाता है, जो जो से चिल्लाता है, यस आपने महाबली आपने सबका बाप, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो जो अपने डिसाइपल लोग उनको गुस्सा आता कि भाई आदमी कितना घमंडी हो, कितना बेकार है, मन तो करे जाके साले की कुटाई करूं लेकिन चाह के भी मैं कुछ कर नहीं सकता। उतने में जो अपना मेन कैरेक्टर है ना वो भी आ जाता है, जिसको देखते कहते वाह बेटे तू आ गया, नहीं मुझे लगा डर के मारे तू आएगा नहीं। ये कहते भाई मैं तुझसे डरूंगा बिल्कुल भी नहीं, तुझे हारने की जब इतनी जल्दी है तो मैं भी तुझे जल्दी हराने के लिए आ गया। सामने से लू कहता बकवास बंद करो, जो अटैक है ना अटैक करना चालू कर दो। तो सामने से गोल्डन सॉर्ड नाम का कोई अटैक करता है, जिसे देख सकते हैं ऐसा सॉर्ड तैयार होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना जो घंटा है ना वो घंटा एक्टिवेट कर लेता है उसके सॉर्ड से बचने के लिए। और ये वाला घंटा नहीं है जो घंटा हमेशा यूज करता था, जो मैजिक पावर था उसमें भी एक घंटा वाला टेक्निक यहाँ पे थी, जो पुराने का अपडेटेड वर्जन है। तो ये हमारा याद करता है कि हमारे मास्टर DTN ने कहा भी था ये उसका अपडेटेड वर्जन है, बहुत ही अच्छा लगेगा करने के बाद। और मुझे भी सच में बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है, ऐसा लगता है बड़ा सा पहाड़ है ना, पहाड़ में यूज यहाँ पे कर रहा हूँ। नीचे से जैसे पब्लिक यहाँ पे देखती है वो भी चौंक जाती है, ओ माय गॉड ये तो ही घंटे वाला मैजिक पावर यहाँ पर है ना, मैजिकल पावर यार, इसने 21 दिन का तो यहाँ पे मास्टर कर लिया। DTN भी कहता है यस क्यों मेरा डिसाइपल यहाँ पे कमाल का है ना, लीडर भी कहता है तुम्हारा डिसाइपल बड़ा कमाल का, आगे चल गए ना ये पक्के चाउस बोड़िया तैयार यहाँ पे कर लेगा। अब आते भाई यहाँ पे फाइट की ओर, जहाँ पे अपना शही उन्हें कहता भाई तुमने अटैक कर लिया अब मैं अटैक करता हूँ, ये लो मेरा मुक्का यहाँ पे संभालो। तो अपने मुक्के से हमला करता है, वो भी मुक्के से हमला करता है, दोनों का मुक्का टकराता है और देख सकते इतना बड़ा सेंसेशन तैयार होता है। ल्यू नोटिस करता शीट यार इसके मुक्के का ना मुझे 10 मिलियन पावर महसूस हो रहा है, इससे यह साबित होता है कि जब ये बॉडी रिफाइनिंग पे था ना तो इसका जो पावर था लगभग 2 मिलियन के बराबर यहाँ पे था, यानी 20 लाख। यार ऐसा कैसे हो सकता है, इनका जो फाउंडर यहाँ पे थे ना इनके फाउंडर का पावर भी उतना नहीं था। इन शॉर्ट जब मैं बॉडी रिफाइनिंग के लेवल पे था ना तो 6 लाख ही मेरी पावर यहाँ पे मैक्स यहाँ पे थी। जो उससे चलाता चलो बढ़िया भाई, दुश्मन ज्यादा स्ट्रांग रहता है ना तो उसको ज्यादा हराने के बाद मतलब उसको हराने के बाद ना ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है, तो यानी अब तुझे हरा कर मुझे और अच्छी फीलिंग आएगी। जो सुनता हमारा मेन कैरेक्टर कहता बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा जो लड़ाई है ना लड़ाई पे ध्यान दे ले, इतना बोल कर ना ब्लैक सॉर्ड है ना ब्लैक सॉर्ड से हमला यहाँ पे करता है। तो वो भी अपने सॉर्ड से हमला कर देता है। ये कहते हुए जो सॉर्ड कंट्रोल करने के लिए तुमको अपनी मेंटल पावर की जरूरत पड़ती है, मैं लंबे समय पहले ही ना डिवाइन बीच लेवल पे जा चुका था, तू अभी अभी यहाँ पे गया है तो यह जो मेंटल पावर है ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं रहेगा। दोनों का सॉर्ड यहाँ पे जैसा टकराता ना, हमारे मेन कैरेक्टर का सॉर्ड सही सलामत था लेकिन ल्यू का जो सॉर्ड है ना उस सॉर्ड की धज्जियां उड़ चुकी थी। आप देख सकते हो, जो देखते वो भी कंफ्यूज हो जाता कि भाई ऐसे कैसे मेरे सोड़ के धजिया उड़ गई। फिर जो हमारा मेकटर अपने सोड़ उसके पास यहाँ पे भेज देता है तो उसका जो डबल पुपिलाई है ना वो यूज करता है और सुपरमैन जैसा ना बीम अटैक करता है और हमारे मेकटर के सोड़ को कुछ समय के लिए रोक देता है। और कंफ्यूज हो गए पूछता कि भाई तू अभी अभी लिटरली अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा डीवाई बीज लेवल पे जाते हुए, तू भी तेरा जो मेंटल पावर है ना मेंटल पावर इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। सामने से हमारा मेकटर कहता है तुमको उससे क्या, इतना बोलकर जो सोड़ है ना वो सोड़ से वापस हमला करता है। तो ये डॉज करता है लेकिन सोड़ उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहता, सोड़ वापस उसके पास बढ़ रहा था हमला करने के लिए। तो सामने से वो भी कहता है अच्छा तू अपने सॉर्ड को लेके मेरे पीछे पड़ा रहेगा, तुझे क्या लगता है तू अपने सॉर्ड से मुझे हरा देगा, चल भैया मैं तुझे दिखाता हूँ रियल डिवाइन बीज लेवल पे क्या पावर यहाँ पर होती है। इतना बोल करे ना एक मिट्टी का चट्टान यहाँ पे अपने सामने खड़ा कर देता है, जैसे चट्टान खड़ा होता ना हमारा मेकेट अपने सॉर्ड को लेकर चट्टान को ऐसा काटने की कोशिश करता है, तो चट्टान भी हल्का सा 2 टुकड़ों में होता है लेकिन उतने में जो टुकड़े ना वापस से कनेक्ट हो जाता है, शायद हमारे मेकेट का सॉर्ड है ना उसी में फंसा रह जाता है। ये बताता भाई ये मेरी मिट्टी की पावर है, जब तक मैं जमीन में फाइट ऐसा करता रहूंगा ना तो ऐसा चट्टान बनाकर पावर अब्सॉर्ब करवा के ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना लूंगा और तू चाह के भी ना मुझे छू भी नहीं पाएगा, लिटरली छू भी नहीं पाएगा। हमारा मेकटर भी चेक करने के लिए आगे जाता है और गोल्डन बेल इसने एक्टिवेट कर लिया ताकि कोई भी अटैक पीछे से अगर हो ना तो मैं अपनी प्रोटेक्शन कर लूं। उसके चट्टान को महसूस करता कि हाँ भाई चट्टान तो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है और आसपास से ना मिट्टी के अंदर से पावर अब्सॉर्ब किया जा रहा है, यार कुछ भी हो जाए मुझे रुकना पड़ेगा। नीचे से बाकी बंदे लोग देखते हो कहते हो शीट यार ऐसे यहाँ पे चलता रहा शहर उन तो यहाँ पे हार जाएगा, वो हार जाएगा तो भाई गलत हो जाएगा, यार क्या करें यार हम लोग चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। अपना ये लीडर भी कहता है यार मानना पड़ेगा तुम्हारी डिसाइपल जबरदस्त है जोरदार है लेकिन वो बहुत पहले डिवाइन बीच पे जा चुका था लियू और अभी अभी तुम्हारा डिसाइपल अभी अभी गया है तो जाहिर सी बात है कि कैसे जीतेगा उसके सामने। DTN कहता टेंशन मत लो यार मेरे डिसाइपल ने ऐसा ऐसा काम करके दुनिया भर में सबको हरा दिया, लियू को हरा कर ना वो और ज्यादा देखना हैरान कर देगा। यहाँ पे लियू कहता भी अपने शयुओं से कि भाई स्ट्रगल करना बंद कर दे, तू मेरे सामने बिल्कुल भी जीत नहीं सकता, हार मान जा यार और देख मेरे सामने हार मानने पर ना तेरी कोई बेइज्जती यहाँ पर नहीं
नहीं होगी, क्योंकि भाई मैं तेरा अपोनेंट यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तो तेरे मास्टर का अपोनेंट यहाँ पे था, मैंने बस अपना लेवल कम किया तेरे साथ फाइट करने के लिए। लोग तो भी कहेंगे कि भाई लियू के साथ यहाँ पे आ रहा, बड़ी बात, यहाँ पर आगे जा, आगे चल के स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन और तब जाकर फाइट वाइट यहाँ पे कर लेना। शेयन यहाँ पे कहते भाई तुझे क्या लगा तेरी बकवास सुनकर मैं हर मान जाऊंगा, ये कदम मत हर मान यार, फिर जब कुत्ते की मौत यहाँ पे हारेगा ना तब जाके बेइज्जती यहाँ पर होगी कि हार मानने का मौका मिला था लेकिन तो भी हार नहीं माना। लेकिन फिर कुछ ऐसा देखता है जो देख कर इसकी दुनिया हिल जाती है। हमारे मेकटा का नजर सॉर्ड जो पहले भाई चट्टान के बीच में फंसा रह गया था, एक दूसरा ब्लैक सॉर्ड यहाँ पे आता जो कि चट्टान पे ना धीरे 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 क्रैक किया जा रहा था। ये भी चौंक जाते कह रहे बाप रे तूने सॉर्ड बनाने वाली टेक्निक भी सीख लिया, लेकिन कोई अब असर होने वाला नहीं है, तेरा एक सॉर्ड है ना कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा मेरे माउंटेन को। जो सुनने मेकटा कहते यस मेरा एक सॉर्ड तुम्हारे माउंटेन को कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन अगर मैं 100 से ज्यादा सॉर्ड यहाँ पे भेज दूं तो ढेर सारे सॉर्ड यहाँ पे तैयार करवाता है और सारे के सारे सॉर्ड को ना उसके चट्टान के पास उसको तोड़ने के लिए भेज देते हैं। तो नीचे से डिसाइपल देखते हो पहचान जाते हैं भाई ये एक मैजिकल पावर है जिसको यहाँ पे वेंजिया स्टाइल कहा जाता है। यार इसने ये सीख लिया यानी अब चांस है, अब इसका जीतने का चांस है, लेकिन ये सीख पाना इतना जल्दी लगभग नामुमकिन होता है। अपने लीडर भी देखते हो कहते यस वही तो भाई मुझे ये पावर सीखने के लिए 100 साल का टाइम यहाँ पे लगा था, लेकिन तुम्हारे डिसाइपल ने भाई कुछ ही दिन के अंदर यहाँ पे सीख लिया, ऐसा कैसे? डीटीएन कहता मैंने बोला तेने कुछ ऐसा करेगा जिससे सबका सब यहाँ पे हैरान हो जाएंगे, ऐसा डिसाइपल मेरा डिसाइपल बना और जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी जो ओल्डर यहाँ पे था ना वो लोग देखते हो माय गॉड यार कितना ज्यादा कमाल का है, अगर मुझे मालूम होता इतना कमाल का है स्टार्टिंग में डीटीएन के हाथ में जाने देता नहीं, ये मैं अपने हाथ में यहाँ पे रखता। अब आते भाई फाइटिंग की ओर, यहाँ पे सारे के सारे सॉर्ड मिलकर ना उस लियू की चट्टान का धज्जिया उड़ा देते और लियू के पास भी बढ़ जाते हैं, तो ये भी अपना जो 16 बीम वाला लाइट था ना वो वापस यूज करता है और जो भी सॉर्ड है सारे सॉर्ड को यहाँ पे दूर करता है। और कहते इंटरेस्टिंग, मानना पड़ेगा लौंडे मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन अब ये ना मैं अपनी पूरी पावर यहाँ पे यूज करूंगा तेरी बैंड बजाने के लिए और तुझे अपने डार्क वर्ल्ड में लेके जाऊंगा, ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे तू मेरे सामने चाय में पानी कम रहेगा। तो देख सकते भाई आसपास का माहौल यहाँ पे बदल जाता है, यानी समझो इसने एक अलग सा छोटा सा अपना वर्ल्ड यहाँ पे तैयार कर लिया जिसके अंदर अभी के लिए हमारा मेकटर और लियू यहाँ पर है और हमारा मेकटर देख सकते हो उसने अपनी आंखें यहाँ पे बंद की है और जो पब्लिक यहाँ पे थी पब्लिक अभी भी देख सकती है, तो वो सब देख के ऐसा चौंक जाते कह रहे बाप रे भाई ये तो उनका कमाल का डार्क वर्ल्ड है, जिससे डार्क वर्ल्ड में जाते ही ना लियू की पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और एक सेकंड ये हमारे शेयन ने अपनी आंखें यहाँ पे काय को बंद कर ली, आंख बंद करके यहाँ पे कैसे फाइट करेगा यार, सामने से अपना लीडर ना लीडर भी कहता शिट यार उसके डार्क वर्ल्ड में चला गया, उसने आंखें भी बंद कर लिए, यानी भाई अब शायद उसके जीतने का चांसेस नहीं होगा। अपना डीटीएन कहता करे नहीं यार अब इमोवेबल किंग सील ये टेक्निक कैसे भूल सकते हो, ये कहते हैं इमोवेबल किंग सील अब ये बड़ी कमाल की टेक्निक होती है, ऐसा मत बोल शायद उन्होंने ये भी यहाँ पे सीख लिया यार, इसको जो मॉन्क लोग रहते ना बुद्धिज्म जो अपनाते वही खाली सीख सकते, जिनके पास बुद्धिज्म का नॉलेज है ना वही खाली सीख सकते, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं नहीं सीख पाया, इसने सीख लिया डीटीएन बताता ऑफकोर्स सीख लिया होगा। अब आते भाई लड़ाई की ओर, जहाँ पे लियू कहता कि वेल यार माना पड़ेगा बहुत ही दम है, जब मैं तेरी उम्र का तेरे बराबर लेवल का था ना उस समय मेरे अंदर उतनी दम नहीं थी, तू आगे चल के बहुत कुछ उखाड़ता लेकिन तूने मेरे से पंगा ले लिया, इस समय तू हारेगा कुत्ते की मौत यहाँ पे हारेगा। इतना बोल के हमला करने को तैयार था तो हमारा मेकटर अपनी आंखें खोल लेता है और चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।